नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको पेनाटॉमी पर। और इसमें हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही पॉपुलर 71 JT, जो कि बहुत पॉपुलर फाउंटेन पेन है, और ये है 69T, ये भी काफ़ी पॉपुलर पेन है। दोनों ही स्टॉक नीप 8, जो इंडियन नंबर 8 में आते हैं, लेकिन उसमें मैंने 35 नंबर जो निब है उसको मैंने इसमें असेंबल किया है। तो पहले हम देखेंगे इसकी राइटिंग इम्प्रेशन, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप इसमें 35 नंबर निब को लगा सकते हैं। हालांकि आपको काफ़ी सारे वीडियोस और ऐसे भी सेलर मिल जाएंगे जो 71 JT में निब को लगा के बेचते हैं 35 नंबर निब्स को, लेकिन 69T में आपको कैनराइट का 35 हो या फिर कोई भी 35 नंबर निब आपको नहीं मिलेगा। जनरली वो कहते हैं कि जो कैप है, जो कैप सेक्शन है, उसमें उतना स्पेस नहीं होता है कि वो एक 35 नंबर जो पेन है उसको ले पाए। लेकिन जब मैंने कोशिश किया तो मुझे लगा दिस इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। और अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो ये पेन बहुत ही लाजवाब एक पेन में कन्वर्ट होता है। हालांकि अराउंड 350 और 400 के बीच में आपको ये पेन मिल जाएंगे, काफ़ी सारे वेबसाइट में ये अवेलेबल है। तो मैंने तो इसको लिया था जो www.asapens.in से, जहां पर आपको ये 360 के आसपास के रेंज में मिलता है। और ये जो पेन है देखने में बहुत ही खूबसूरत है, इसकी जो बैक है वो ओवल शेप का है और बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है, बहुत ही सॉलिड है इसकी बॉडी, जिसके कारण मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मैंने इसमें 35 नंबर निब से इसको मैंने असेंबल किया है, ये एक और भी मज़ेदार पेन में कन्वर्ट हो गया है। अभी ये मेरा डेली राइटर है क्योंकि रोज़ मैं इस पेन को इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा मैंने ये किया कैसे। हालांकि जो पेन दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं 69T को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा एक 71 JT में मैं दिखा रहा हूँ कि आपको ये कैसे करना है। और अगर आप घर में कर पाते हैं तो बिल्कुल सेफ है, इतना प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है, आप आराम से इसको घर में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको घर में ये कैसे करना है, तो देखते रहिए। तो जो चीज़ पहले करनी है, आपको जो निब सेक्शन है उसको खोलना पड़ेगा, उसको साइड में रखिए। और आपको जो फीडर है, प्रॉब्लम क्या होती है, जो फीडर है, फीडर में और निब को जब आप एक साथ वहाँ पे लगाएंगे तब उसमें स्पेस नहीं रहता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, जो फीडर है उसको थोड़ा सा हल्का पतला करना है ताकि निब के लिए उसके पास जगह मिल जाए। तो इस तरह से कोई भी ब्लेड से आप थोड़ा सा स्क्रैप करेंगे तो जो फीडर है, बेसिकली इसमें एबोनाइट फीडर रहता है जो हार्ड रबर से बना होता है, तो थोड़े से स्क्रैप करने से चारों ओर से ये जो पेन है, ये जो फीडर है, फीडर की जो साइज़ है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है। याद रखिएगा चारों ओर से करना है, नहीं तो आपको क्या होगा, एक साइड में करने से उस साइड में ये ज़्यादा पतला हो जाएगा जहाँ से इंक लीकेज होता रहेगा। और करने के बाद जो चैनल्स है उसको भी आपको इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आपको क्लीन करना है ताकि जो चैनल्स है, क्योंकि स्क्रैप करने के बाद जो चैनल्स है वो थोड़े से बिगड़ जाते हैं, थोड़ा सा जो डेप्थ होता है वो कम हो जाता है, तो आप उसको भी थोड़ा सा चैनल को बढ़ा दीजिए ताकि इंक फ्लो अच्छा रहे। और उसके बाद आपको ये निब को धीरे से इसमें लगाना है, देखिए फिट करना है आपको, और जो उभार आपको दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपको इसको घुसाना है। तो इस तरह से आपको इसको पकड़ना है और ये देखिए ये धीरे से घुसा के आपको थोड़ा सा प्रेस करना है, और जहाँ तक मैंने उसको डाला है वहाँ तक आपको डालना है। एक क्लॉथ ले लीजिए, सॉफ्ट क्लॉथ, बेसिकली जो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है वो अच्छा होता है, और उसके बाद उसको दबाइए ताकि अंदर तक चला जाए। और देखिए कौन सा हिस्सा तक, जो एक उभार था फिडर में वहाँ तक मैंने इसको डाल दिया है, और अब ये जो पेन है ये बिल्कुल सही मायने पर निब 35 से असेंबल्ड हो चुका है। हालांकि ये जो पेन है इसको मैंने डबल बी निब से, स्टब निब से मैंने इसको असेंबल किया है, जो कि बहुत लोग बोलेंगे काफ़ी इम्पॉसिबल है, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है।
और जब आप कैप लगाएंगे तब भी आपको पता चलेगा कैप में काफ़ी जगह होता है। तो थोड़ा सा आपको मैंने थोड़ा सा शेक किया ताकि वीडियो को पहले बना सकूँ, जल्दी बना सकूँ, क्योंकि जो फीडर है वो ड्राई हो गया था। तो जब थोड़ा सा हिलाने से जो वो है फीडर है वो काफ़ी भीग जाती है इंक से, और देखिए कितनी स्मूथ लिखती है, कितनी स्मूथ लिखती है, बिल्कुल एक क्लासिक पेन जो होते हैं, एक क्लासिक पेन में ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब आप 35 नंबर निब को कोई भी 71JT या फिर 69T में असेंबल करते हैं। तो मैंने दो पेन में ट्राई किया और दोनों में ही मैं सफल रहा, निब के भी डैमेज नहीं हुआ, जो फिडर है वो भी डैमेज नहीं हुआ, और आराम से मेरा दोनों पेन एक बहुत ही बेहतरीन पेन में कन्वर्ट हो चुका है। हालांकि मैं 69T का बात कर रहा था, लेकिन मैं आपको 71JT में इस फॉर्मूला को दिखाया हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ सके। बिल्कुल एक ही तरह से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पेन की जो निब यूनिट है सेम होती है, उसकी जो स्टाइल एनाटॉमी है वो भी सेम है। तो जिस प्रोसीड्यूर को मैंने दिखाया है उसको फॉलो करके आप अपने घर में इस पेन को अच्छे से असेंबल कर सकते हैं। और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बोल सकते हैं अगर आपको कुछ जानना है। तो चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा।